कई बार ऐसा होता है कि लास्ट सेमेस्टर में हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, तो डॉक्टर हमें बताती हैं कि आपकी बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो सजेस्ट करती कि कुछ चीज़ें डाइट में इंक्लूड कीजिए, कुछ आपको प्रोटीन पाउडर भी लिखेंगे, कुछ अलग मेडिसिन भी लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे ये डॉक्टर ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्दी फूड खाइए। तो आज हम जानेंगे वो कौन से ऐसे फूड हैं जिनके खाने से लास्ट सेमेस्टर में बच्चों का वेट गेन अच्छा होता है और बेबी की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले अपनी डाइट में दालों को इंक्लूड कीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और फाइबर होते हैं, तो दालों को अच्छे अमाउंट में इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, नॉनवेज अगर आप पसंद करते हैं तो। इसके अलावा सोयाबीन का कंजम्पशन अच्छा करें, बीन्स में भी बहुत अच्छी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कहने का अर्थ हुआ कि दही का सेवन करें, चीज़ खाएं, पनीर खाएं। इसके अलावा मिल्क तो ज़रूर से ज़रूर पिए। एग हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे ऐसे फूड है जिसमें अच्छी अमाउंट में अच्छे अच्छे प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जो बेबी की ओवरऑल ग्रोथ और वेट गेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप एग पसंद करते हैं तो एग को भी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नट्स का सेवन ज़रूर करें, नट्स सेवन करने का मतलब है जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनका सेवन भी ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो वेट है वो अच्छी गेन होगी। साथ साथ आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना है, एक दिन में कम 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिए। अगर आपको प्लेन वाटर पसंद नहीं आता है तो नारियल पानी पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। लेकिन कोशिश करना है कि लिक्विड डाइट भी हम अच्छे से लें ताकि हमारे बेबी का वेट बहुत ही अच्छा हो।